2022 के तर्ज पर ही 2023 की शुरुआत से ही गुंडों और माफियाओं पर योगी की पुलिस का बरसा कहर। ऑपरेशन पाताल लोग गुंडों और माफियाओं की तोड़ रहा कमर। 2023 का प्रारंभ होते ही यूपी पुलिस ने किया अपराध के अंत का प्रारंभ। ऑपरेशन पाताल लोग से यूपी पुलिस ने किया अपराध को खत्म करने का पूरा प्लान। जैसे ही 2023 का प्रारंभ हुआ वैसे ही यूपी पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट पड़े। जिस वक्त घना कोहरा था, कोई किसी को देख नहीं पा रहा था, उसी वक्त यूपी पुलिस के कुछ काबिल वर्दीधारी इस घने कोहरे के बीच अपराधियों को खोज खोज कर निकाल रहे थे। और इसी क्रम में पुलिस ने 2023 के प्रारंभ में 3 जनवरी को 2 समान एनकाउंटर कर दिए और साल के प्रारंभ में ही ऑपरेशन पाताल लोक के जरिए 2 एनकाउंटर करके यूपी को अपराध मुक्त बनाने का संकल्प 2023 में भी प्रारंभ कर दिया। और फिर 11 जनवरी को भी एनकाउंटर करके गैंगस्टर विनय को धराशायी कर दिया। विदित है कि सीएम योगी लगभग हर मंच से ये कह चुके हैं कि अपराधियों की 2 ही जगह है, पहला जेल और दूसरा वो जहां कोई जाना नहीं चाहेगा। क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते प्रदेश के अपराधियों ने या तो यूपी छोड़ दिया या फिर यूपी पुलिस के खौफ से बचने के लिए अपनी जमानत रद्द कराकर जेल के अंदर ही अपनी जिंदगी काट रहे हैं। जैसे कि पूर्व वर्षों में यूपी पुलिस ऑपरेशन पाताल लोक यूपी में क्राइम कर दूसरे राज्यों में भागने वाले अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इसके तहत उनकी पहचान कर उनको अंजाम तक पहुंचाने में जुटी है। इसका एक और उदाहरण पिछले वर्ष वाराणसी में देखने को मिला, जहां पुलिस ने बिहार के 2 खतरनाक अपराधियों को आत्मरक्षा की कार्रवाई में ढेर कर दिया था, जिसको लेकर डीजीपी डॉक्टर डीएस चौहान ने बताया था कि 13 दिन पहले वाराणसी कमिश्नरेट में तैनात सब इंस्पेक्टर अजय यादव को उनके निजी प्लॉट पर गोली मारने और उनकी सर्विस पिस्टल की लूट को अंजाम देने वाले दुर्नाट अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन पाताल लोक चलाया गया है। इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। घटना के 13वें दिन सोमवार को बड़ा गांव थाना क्षेत्र के मलेखा गांव के समीप रिंग रोड पर दुर्नाट अपराधियों के खिलाफ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इसमें 2 बदमाश पुलिस की गोली से ढेर हो गए, जो बिहार में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों की शिनाख्त रंजीत उर्फ बउआ सिंह और मनीष सिंह निवासी गोलवा मोहद्दी नगर जिला समस्तीपुर बिहार के रूप में हुई है। दोनों सगे भाई हैं। इनका तीसरा भाई लल्लन पुलिस मुठभेड़ के दौरान फरार हो गया। पुलिस ने अपराधियों के पास से सब इंस्पेक्टर से लूटी गई 9mm ब्राउनिंग व 1.32 बोर के पिस्टल को बरामद किया। वही वाराणसी में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए एक बिहार निवासी दोनों सगे भाई 11 साल से बिहार पुलिस के लिए कोल बन गए थे। बिहार पुलिस के अनुसार चारों भाई कम समय में बहुत पैसे वाले अमीर बनना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। बीते 11 साल से बिहार पुलिस के लिए चुनौती बने अपराधियों को उत्तर प्रदेश में ठिकाने लगा दिया गया, साथ ही उनके आतंक का सिलसिला भी थम गया और बिहार के कोर का यूपी पुलिस ने हमेशा के लिए इलाज कर दिया। योगी सरकार में खतरनाक इनामी अपराधियों पर यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। यूपी पुलिस ने बीते 5 साल में कई अपराधियों को मार गिराया है। पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 2017 से लेकर अब तक 168 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। इनमें से अधिकांश पर 75,000 से 5 लाख रुपए तक का बड़ा इनाम घोषित था। अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2017 से 2020 तक 172 बदमाशों को ढेर किया है और वहीं जनवरी के प्रारंभ से लेकर अब तक 4 खतरनाक अपराधियों का एनकाउंटर करके पुलिस ने अपराध की दुनिया को खत्म करने का पूरा प्लान कर दिया है। खैर, अभी ऑपरेशन जारी है और अपराध की दुनिया का अंत करने का सिलसिला भी। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।